आज मैं आपको संवत 2079 के भविष्यवाणी करने के लिए आई हूँ। ये शनि का परिवर्तन, राहु का परिवर्तन और बृहस्पति का परिवर्तन, यह हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला। अगर आप काल पुरुष के हिसाब से देखते हैं तो हमारा जो राहु है वह एक नंबर लगन में आ जाए, और एक नंबर लगन में आने से वह पांचवी, सातवीं और नौवी दृष्टि, पांचवी दृष्टि सूर्य के घर में कारक योग, सातवीं दृष्टि बिजनेस पार्टनर स्पाउस इसको देखेगा, और नौवीं दृष्टि हमारी वो भाग्य को देख। भाग्य में नंबर है नौ, काल पुरुष के हिसाब से नौ नंबर है। अब बृहस्पति का नंबर जो है वह धार्मिक है, तो राहु जो है जहाँ भी दृष्टि देखता है वहाँ पे उत्पात मचा, और राहु के परिवर्तन होने से, शनि के परिवर्तन होने से पहले दो तीन महीने पहले हमारे को इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाए। तो अब जो ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से राहु लगन में आएगा तो एक तो ये बुद्धि को बहुत उग्र कर देगा, आउट ऑफ कंट्रोल हमारी बुद्धि हो जाएगी क्योंकि अंगारक योग बनेगा, वहां पे सूर्य की राशि है। सातवां पाउस के साथ, बिजनेस के साथ, पार्टनरशिप के साथ लोगों के लड़ाई झगड़े, पार्टनर में कुछ आपस में मतभेद और कुछ ऐसी स्थितियां बनाएगा। और जब ये नवम दृष्टि भाग्य को देखेगा तो वहां पे नौ नंबर की राशि धर्म की है, तो यह धर्म के युद्ध कराएगा, कारण धर्म का बनेगा युद्ध, क्योंकि भाग्य स्थान में नौ नंबर की राशि बृहस्पति की धर्म के होने के करके राहु जो भी हमारे धर्म के हिंदू मुस्लिम में, सिखों में, हिंदुओं में ये ऐसी लड़ाई कराने की पूरी चेष्टा संभावना है। जो राहु है यह अचानक वारदात करता है, मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में बोला है, यह अचानक वारदात करता है, छुपे हुए राज खोलता है और छुपे हुए ही कार्य करता है। आतंकवादियों जैसे, आतंकवादियों का हमला हो जाना, धर्म पे हमला हो जाना, यह सारी घटनाएं राहु की जो है 2022 में यह आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि मैं अपनी पिछली भी वीडियो में कई बार बोल चुकी हूँ, राहु छुपे हुए कार्य, अचानक वारदात, अचानक लड़ाई झगड़ा, अचानक अगजनी की घटनाएं कर देना, बुद्धि को यह निरंतर में नहीं रखता। तो मेरा आप सब से यह YouTube पे आने का सिर्फ एक ही कारण था कि जिनको राहु की दशा अंतर प्रत्यंतर या उनके नक्षत्र राहु वाले हैं उनके ऊपर भी इसका ज्यादा इफेक्ट होगा और उनकी बुद्धि में कंट्रोल नहीं रहेगा और लड़ाई झगड़े के लिए वह बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली को अपने अचारस से अवलोकन कराते हैं और उसमें आप देखते हैं कि आपका कुंडली में राहु का कोई नक्षत्र, आपका जो कोई ग्रह है वो राहु के नक्षत्र में तो नहीं है, या राहु की आपको दशा तो नहीं चल रही, या उसका अंतर या प्रत्यंतर तो नहीं चल रहा। अगर किसी का ग्रह राहु के नक्षत्र में हुआ तो भी उसको यह राहु का फल अवश्य मिले। क्योंकि मैं अपनी हमेशा YouTube पे बोलती हूँ कि जो हमारे कुंडली के ग्रह होते हैं वह किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं और उसके नक्षत्र के चरण भी होते हैं, और नक्षत्र के चरण होने से वह जो कार्य करता है वैसा ही कार्य करता है जैसे राहु कार्य करता है। अगर आपका ग्रह राहु के नक्षत्र में है तो वो राहु वाला कार्य करेगा, अगर आपको दशा अंतर प्रत्यंतर भी उसका चल रहा होगा तो। अगर आपको उसका अंतर प्रत्यंतर या गोचर में आपको राहु का कुछ नहीं चल रहा तो आपके ऊपर राहु कुछ भी कार्य ऐसा नहीं करेगा। हाँ, जो देश के साथ घटनाएं होंगी या जो जिनके साथ ये घटनाएं होंगी उनको इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरा YouTube पे आने का, बताने का सिर्फ यही कारण होता है कि जब भी कोई ग्रह नक्षत्र चेंज करने वाला होता है तो मैं आके अपने व्यूवर्स को पहले ही बता देती हूँ कि वह अपने आचार्य को अपनी पत्री दिखा के उसका लाभ उठा सके। अभी आगे और भी आप देखेंगे कि धर्म के नाम से, धर्म की आड़ में लोग कुछ ऐसी घटनाएं करेंगे। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी, आप ना इस झगड़े में जाएं और ना ही आप इस झगड़े में खड़े हों, क्योंकि राहु एक ऐसा बहरूपिया है कि अगर आपका मीडिया में आपका फेस भी आ गया और आपको अंतर प्रत्यंतर चल रहा हुआ तो आप बेमतलब रस्सी के सांप में
फंस जाएंगे। तो मेरा आज YouTube पे आने का सिर्फ यही मतलब था कि जो ये चार नंबर 2022 का आ रहा है तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। मैं अपने भाइयों से, अपने जो मेरे बेटों के समान है उनसे, जो मेरे से बड़े हैं उनसे सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखें और बहुत ज्यादा उग्र ना हो। कोई भी अगर आपको आसपास घटना ऐसी दिखती है तो आपके पास में नियर में पुलिस स्टेशन है, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ गलत गतिविधियां दिखती हैं तो। और आपके पास पुलिस का नंबर भी है, आप पुलिस को फोन करके भी आप उनको सचेत कर सकते हैं। लेकिन आप उस अग्नि में ना कूदें जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। सिर्फ मेरा आपको आज ये वीडियो बनाने का यही मतलब था। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए जिससे जो भी मेरी वीडियो बने वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप और आपका परिवार खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। मेरी प्रभु से, भोले से, मेरे इष्ट से, मेरे सभी देवताओं से यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने घर में खुशी खुशी नया साल, ये पीक का पीरियड होगा।